सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन रिएक्शन विद एथेनॉल टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। सो जब हम रिएक्शन करते हैं एथेनॉल के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो एसिटिक एसिड बनता है। सो इसमें हमारी रिएक्शंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या रोल होता है वो बताना है हमें। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है बेसिकली हमारी, तो एथेनॉल होता है हमारा C2H5OH, ठीक है, और प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो बाद में लेंगे, इसे ऐसा कैटलिस्ट लेते हैं, और साथ में हमारा जो होता है इसके साथ एक एसिड आता है H2SO4। इसको जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम C2R2 डाइक्रोमेट O7। तो इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्चुअल में हमारा बनता है CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। फाइन, सी एस, और साथ में हमारा वाटर बनता है, और पोटेशियम का जो क्रोमेट होता है उसका हमारा कुछ एक क्रोमियम का हमारा कुछ कंपाउंड बनता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखाना होगा। सो बेसिकली ये हमारा पूरा जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3COOH बनता है हमारा। सो इसमें हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का रोल क्या होता है वो बताना है। तो इसमें एक्चुअल रोल होता क्या है, सो बेसिकली जब हमारा एथेनॉल होता है रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, तो इसे एसिटिक एसिड बनाना होगा। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, वो इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि इसको ऑक्सीडाइज होने में मदद करेगा और CH3COOH बनाने में मदद करेगा। तो आप इस सिंपली वर्ड में क्या लिख सकते हैं, तो आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं गाइस कि रिएक्टिंग द सैंपल विद द एक्सेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल द एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। यानी कि जब सैंपल यानी कि हमारा एथेनॉल होगा उसे रिएक्शन कराएंगे साथ में इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो जो हमारा एथेनॉल होगा वो क्या ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो एसिटिक एसिड बन जाएगा, सो बेसिकली हम कह सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मेकिंग पॉसिबल एथेनॉल टू ऑक्सीडाइज। सो या बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। So yeah, that is the reason we use potassium dichromate as a catalyst in this reaction. So this is the role of potassium dichromate. I hope you like it. I hope you understood. In the next video, till then, bye bye.